हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काजल्स किचन। आज हम बनाएंगे ऑरेंज आइसक्रीम। जैसे हमें मार्केट में मिलती है, वैसे ही आज हम ये ऑरेंज आइसक्रीम बनाएंगे। इसे हम कोई केमिकल नहीं डालेंगे और कोई कलर नहीं डालेंगे। तो चलिए बनाते आज की ये रेसिपी। तो यहाँ हमने आधा किलो जितना ऑरेंज लिया है, इसको हमें पूरा छिलका निकाल देना है और इसकी सारी स्लाइस निकाल देनी है। तो यहाँ हमने सब स्लाइस निकाल दी है। यहाँ हमें एक ग्राइंडिंग जार लेना है, इसके अंदर सारी स्लाइस डाल देंगे और इसको क्रश कर देंगे। यहाँ हमें ज़्यादा क्रश नहीं करना है, चालू बंद ऐसे करके हमें क्रश करना है। तो यहाँ हमारा ऑरेंज परफेक्टली क्रश हो गया है। यहाँ हम एक बड़ा बाउल लेंगे और एक छन्नी लेंगे, इसमें सारा रस छान लेंगे। बिल्कुल इस तरह से हमें स्पून की मदद से सारा रस को निकाल देना है। तो आप देख सकते हैं कि एकदम परफेक्टली हमारा रस निकल कर तैयार है। तो यहाँ मेजरमेंट के लिए हमने एक ग्लास लिया है, इसके अंदर सारा रस हम डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि बढ़िया से हमारा रस निकल कर तैयार है। तो यहाँ हमें मेजरमेंट के लिए हमें एक ग्लास में जितना जूस लिया है, वैसे ही एक ग्लास में हम पानी लेंगे। तो यहाँ बाहर जैसा फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें एक रचना का पैकेट डालेंगे। तो यहाँ हमें कोई कलर नहीं डालना है और कोई और चीज़ नहीं डालनी है। तो यहाँ हम एक पैन लेंगे, इसको हम सारा जूस इसके अंदर डाल देंगे बिल्कुल इस तरह से, और हमें इसको 5 मिनट के लिए पकाना है। सिर्फ 5 मिनट में ही हमारी ये आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाएंगी। यहाँ हमने 4 से 5 चम्मच शुगर डालने हैं, जिससे हमारी आइसक्रीम का फ्लेवर एकदम स्वीट और खट्टा मीठा आए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कलर भी बहुत बढ़िया आया है। यहाँ हम एक बाउल में 2 चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर लेंगे, जिससे हमारी आइसक्रीम एकदम थिक बनेगी, ना ही कोई बर्फ जैसी बनेगी, एकदम सॉफ्ट और थिक बनेगी। तो यहाँ हम ये अच्छे से मिलाकर इसके अंदर हम सारा ये डाल देंगे। इसको हमें एक उबाल आने देना है, तो अच्छे से मिला देंगे और बढ़िया से उबाल आने देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जूस भी एकदम थिक होने लगा है बिल्कुल इस तरह से। आप देख सकते हैं, मैं आपको स्पून से दिखाती हूँ कि इतनी कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। तो यहाँ वेस्ट जो बबल्स आए हुए हैं, इसको हम एक बाउल में अलग से निकाल देंगे, जिसे हमारी आइसक्रीम बढ़िया से फ्लेवर वाली बने, इसलिए हमें सारा डस्ट निकाल देना है बिल्कुल इस तरह से। तो यहाँ हमारा ये जूस बनकर तैयार है आइसक्रीम बनने के लिए। तो यहाँ हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और ठंडा करने देंगे 5 मिनट के लिए। तो यहाँ हमारा 5 मिनट हो गया है और हमारा जूस ठंडा हो गया है। तो यहाँ हम एक आइसक्रीम स्टैंड लेंगे, आपको जैसा शेप बनाना है वैसा स्टैंड ले सकते हैं। तो इसके अंदर हम ये जूस डाल देंगे, एकदम परफेक्टली इसके अंदर डालना है। और ये आइसक्रीम आप ज़रूर बनाना, आपको और आपके बच्चे को ये आइसक्रीम ज़रूर पसंद आएगी। बाहर की भी भूल जाओगे, वैसी ये आइसक्रीम बनती है, मिनटों में बनने वाली हमारी ये आइसक्रीम बढ़िया सी और अच्छे कलर में बनती है। यहाँ हमने कोई केमिकल और कलर नहीं ऐड किया है। तो सारे स्टैंड में हम सारा जूस डाल देंगे। तो हमें यहाँ सारा जूस सब स्टैंड में डाल दिया है। जो बचा है इसको हम ये छोटे छोटे ग्लास आते हैं, इसके अंदर हम डाल देंगे। आपके पास ये स्टैंड नहीं है तो ये आप इसमें भी डाल सकते हैं। तो यहाँ हमें ये ग्लास ले लेना है और
ये आपको आपके घर में ऐसे छोटे ग्लास है, इसमें भी आप ये आइसक्रीम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ हमें सारे आइसक्रीम बनकर तैयार है, इसे हम फॉइल पेपर से कवर कर देंगे। तो यहाँ हमें एक फॉइल पेपर लेना है, बिल्कुल इस तरह से हमें सारी कॉर्नरों को लॉक कर देना है, बिल्कुल इस तरह से। तो हमने ये ग्लास में भी ऐसे फॉइल को छोटे टुकड़ों में कट करके बिल्कुल इस तरह से साइड से प्रेस करके इसको परफेक्टली कवर कर देना है। इसमें हम नेफ की मदद से छोटे छोटे कट लगा देंगे बिल्कुल इस तरह से। और हमें यहाँ आइसक्रीम की स्टिक आती है वो लगा देनी है, तो सारी आइसक्रीम में हमें ये स्टिक लगा देंगे। अब यहाँ हमें छोटे ग्लास है इसलिए एक स्टिक की हमें दो टुकड़े करके इसमें डाल देनी है और 8 से 10 घंटे के लिए इसको हमें फ्रीजर में रख देना है। तो 8 से 10 घंटे हो गए हैं हमारे और आप देख सकते हैं कि पूरी आइसक्रीम जमकर तैयार है। तो एक आइसक्रीम मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो यहाँ हमने जो छोटा ग्लास था उसमें हमें आइसक्रीम जमाई थी वो डाल देनी है। तो आप देख सकते हैं कि एकदम परफेक्ट बनी है हमारी आज की ये फ्रेश ऑरेंज कैंडी। तो इसे हमें कोई पानी में नहीं डालना है, इसे ही आप कुछ सेकंड ऐसे ही रख देना जिससे आसानी से हमारी सब कैंडी आसानी से निकल जाए। तो आप देख सकते हैं कि एकदम बाजार जैसी हमारी कैंडी बनकर तैयार है। आप एक बार ज़रूर बनाना, और आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और वीडियो के नीचे लाइक का बटन है वो ज़रूर प्रेस कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।